नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश कॉर्पोरेट रडार में। हम लगातार रोज ब रोज एक कंपनी के बारे में बातचीत करते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं, साथ साथ उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की विस्तार योजना उन्होंने बना रखी है और आने वाले समय में कहां पर वो एक्सपेंशन कर सकते हैं, एक्विजिशन कर सकते हैं या फिर क्या वो बायबैक की योजना बना रहे हैं या नहीं। इन सभी खबरों पर हम बातचीत करेंगे, इन सभी जो भी उनके आउटलुक हैं उन पर उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। आज की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद रहेगी, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल की मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले वो मार्केट्स पर नजर डाल लेते हैं कि बाजार नए हाईस पर ही अब कामकाज कर रहा है, लगातार तेजी, लेकिन ऊपरी स्तर से एक डाउन टिक जरूर मार्केट ने लिया, एक अच्छी तेजी बनाई, नए हाईस के आसपास बाजार पहुंचा, लेकिन वहां से एक सडन फॉल आया, करीब 3/4% के आसपास की बढ़त अभी बाजार में देखी जा रही है, यानी कि तेजी है लेकिन उतनी नहीं है जितनी थोड़ी देर पहले देखने को मिल रही थी। सेंसेक्स करीब 29,893 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.5% की बढ़त के साथ कामकाज करते हैं, यानी कि बाजार में जो अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है उसकी वजह से ज्यादातर सभी सेक्टर्स जो हैं वो अपने नए 52 हफ्तों के ऊपरी स्तर या फिर ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुके हैं। मिसाल के तौर पे निफ्टी बैंक 22,000 का स्तर पार किया, अपना नया ऑल टाइम हाई है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक अच्छी तेजी है, 52 वीक्स हाई पे कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है 52 वीक्स हाई पे कामकाज करते हुए निफ्टी बैंक के साथ साथ बाकी इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी फार्मा, आईटी और ऑटो ये कुछ और ऐसे इंडेक्स जहां पर तेजी है। राधा निफ्टी रियल्टी जो कि 2,000 के पार हो चुका है वहां पर भी अपने नए ऑल टाइम हाई के आसपास ही, माफ कीजिएगा, 3 साल के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो एक अच्छी तेजी वहां पर देखने को मिल रही है। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं आज के मैनेजमेंट के साथ चर्चा को लेकर। हमारे साथ आज के मेहमान मौजूद हैं मिस्टर डॉक्टर अशोक हल्दिया हैं, एमडी एंड सीईओ पीटीसी फाइनेंशियल के। मिस्टर हल्दिया नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आपसे चर्चा करने से पहले, शुरुआत करने से पहले दर्शकों को ये बता दें कि हम अलग अलग क्राइटेरियाज को लेकर चर्चा करते हैं जिसके अंदर सेक्टर है, न्यूज को लेकर, पॉलिसीज को लेकर, फाइनेंशियल्स, डेट सिचुएशन, ऑर्डर, कैश फ्लोज, या फिर इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन, इन सभी चीज़ों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल जो कि फाइनेंशियल डिसबर्समेंट कारोबार के अंदर, यानी कि मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं या फिर पावर बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको लेकर कंपनी कामकाज करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर इस पूरे स्पेस में कंपनी के पास है भी। अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी ने मेंटेन किया है अपने लोन डिसबर्समेंट को लेकर भी और अपनी क्रेडिबिलिटी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रूफ भी किया है बाकी सभी जो पावर जो कंपटीटर्स हैं उनके कंपैरिजन में, पावर प्रोजेक्ट के फाइनेंसिंग के कारोबार में और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के भी कई प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी वो फाइनेंसिंग करती है। मिस्टर हल्दिया नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सर पूरे स्पेस में बहुत सारे बज हैं पावर स्पेस में पर्टिकुलरली, चाहे पॉलिसीज को लेकर हो या फिर अलग अलग जो कैपेसिटीज हैं उनके एडिशन को लेकर हो, इन सब चीज़ों के बीच में कंपनी कितनी वेल पॉइज्ड है, कितनी वेल स्टैब्लिश्ड है और जिस तरह से ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है पिछले कुछ समय में, क्या ये ट्रेजेक्ट्री आगे भी कंटिन्यू रहेगी? देखिए, हम पिछले सालों के अंदर हम 30-40% तक की ग्रोथ कर रहे हैं और ये जो ग्रोथ है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और CAGR दोनों बेसिस पे है। हमारी ग्रोथ पावर सेक्टर में है और पावर सेक्टर में पर्टिकुलरली रिन्यूएबल के अंदर है। इसके अलावा हमने कुछ समय पहले एक डिसीज़न लिया था कि हम एक लिमिटेड मैनर में हम पावर सेक्टर के अलावा दूसरे जो एरिया हैं उसमें डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हमने जो रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर जो एरिया थे जैसे रोड्स वाले हो गए, पोर्ट्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक हो गई, रेलवे कनेक्टिविटी हो गई, ट्रांसमिशन सेक्टर हो गया, इन सब के अंदर हमने फाइनेंसिंग शुरू की। इस कारण से हमारी ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन है और रिन्यूएबल में हमारा फोकस जारी है। रिन्यूएबल हमारी जो टोटल बुक है उसका करीब 50% है और जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो हमारी सेंक्शन हो रही है उसके अंदर रिन्यूएबल का करीब 70% हिस्सा है। हमारा जो आज इस साल के अंदर जो ट्रेंड बना हुआ है उस ट्रेंड के हिसाब से जो रिन्यूएबल के अंदर है पाइपलाइन हमारे पास अच्छी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो रिन्यूएबल के लिए जो एक एटमॉस्फियर है, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क या इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क जो अवेलेबल है उसके हिसाब से रिन्यूएबल के अंदर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा। ओके सर, आपने जिन नए बिजनेस के अंदर फोरे किया है फिर एक्सपैंड किया है, एटलीस्ट डाइवर्सिफाई किया है, इसमें कंपनी के मार्जिन क्या उतने ही इंटैक्ट हैं जितने पहले वाले कारोबार में थे या फिर इस कारोबार से कंपनी को ज़्यादा बेहतर मार्जिन मिल रहे हैं कंपेरेटिवली अपने पावर फाइनेंसिंग के कारोबार से? देखिए, जो मार्जिन होते हैं वो रिस्क प्रोफाइल जो प्रोजेक्ट का होता है उसके बेसिस पे मिलता है।
इसलिए अगर एन्यूटी बेस्ड रोड प्रोजेक्ट है तो उसमें मार्जिन कम होगा, क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी जो एक सेफ्टी है लेंडर्स की और जो रिस्क है वो बड़ी कम होती है और सिक्योरिटी लेंडर्स की उस हिसाब से ज़्यादा होती है। इसी तरीके से जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं, जो सेंट्रल इंटर स्टेट्स हैं, उसके अंदर भी जो लेंडर्स की रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाती है। इस कारण से इनके अंदर जो स्प्रेड है वो स्प्रेड थोड़ा कम होता है, बट हमारा जो ओवरऑल स्प्रेड है उसके अंदर इनके कारण से कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि हमने ये फैसला किया था कि हम जब इन रिलेटेड एरियाज में जाएंगे तो हम लिमिटेड मैनर में हम जाएंगे, क्योंकि हम जो उन्हीं प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे जहां हमें लगता है कि रिस्क बहुत कम है। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स का हमारी टोटल बुक साइज़ में करीब 15-20% है अभी तक, तो हमारे स्प्रेड और मार्जिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा जो एक पोर्टफोलियो का जो एक क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो है वो इसके कारण से हमें लगता है वो ज़रूर ही बेहतर होगा जी, और उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके सर, लोन ग्रोथ किस तरह की रही? लोन बुक की ग्रोथ जो पिछले एक साल में हमने देखी है वो काफ़ी रोबस्ट रही, क्या ये सेम ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा? क्या आउटलुक है उसको लेकर? और दूसरा, फी बेस्ड इनकम की परफॉर्मेंस कैसी रही? देखिए, जो 9 महीने जो दिसंबर में ख़त्म हुए उसके अंदर हमारा करीब जो सेंक्शन थी वो पिछले साल की सेंक्शन से, इसी पीरियड की सेंक्शन से करीब 70-80% ज़्यादा रही, तो हमें लगता है कि हमारा जो ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन है। और फीस बेस्ड इनकम भी, अब हमने जो प्रोजेक्ट्स हैं हम खुद हमारे बुक से ज़्यादा करते हैं, अंडरराइटिंग करते हैं, और इस कारण से हमारी जो लोन बुक जो हमारी फी बेस्ड इनकम है वो बढ़ गई है। इसके अलावा जो एक नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया था और जिसकी मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा है कि लेटर ऑफ कम्फर्ट अगेंस्ट दी टर्म लोन जो हम सेंक्शन करते हैं, उस पे हमारी फीस बेस इनकम अच्छी है और इस बिजनेस में हमारी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी है जी। कंपनी ने कोल माइन, पावर ट्रांसमिशन जैसे कारोबार के अंदर भी फोरे किए और आप बता रहे हैं कि रोड प्रोजेक्ट्स भी कंपनी देख रही है, क्या कुछ और ऐसे एरियाज कंपनी फोकस कर रही है जहां पर गोइंग फॉरवर्ड अच्छी ग्रोथ दिख रही है और वहां पर भी फोकस किया जा सकता है, वहां भी फंडिंग की जा सकती है? अभी तक तो जो हमने जो डिसीजन ले रखा है वो इन्हीं एरिया के लिए ले रखा है, लेकिन हम सेक्टर पे और इकोनॉमी पे क्लोजली वॉच रखे हुए हैं और अगर ज़रूरत होगा तो हम लिमिटेड वे में उसको अप्रोच करेंगे, लेकिन जो कंपनी का जो एक मेन डीएनए है वो मेन डीएनए को हम अफेक्ट नहीं करेंगे जी। सर, सेक्टर के लिए दो क्रूशियल जो टाइम आने वाला है पावर स्पेस के लिए पर्टिकुलरली, एक है हीट, यानी कि अगर हीट वेव बढ़ती जाती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पेस में डिमांड भी बढ़ती है, एक ये, और दूसरा अपकमिंग मॉनसून जहाँ पे जो जितनी भी हाइड्रो बेस्ड पावर कंपनीज हैं वो अपना प्रोजेक्ट्स को एक्सपैंड करती हैं, इन दोनों चीज़ों को लेकर कंपनी किस तरह की योजना बना रही है, क्या प्लान्स हैं या फिर किस तरह का आउटलुक देख रही है एटलीस्ट इन दोनों सीजन्स को मद्देनज़र रखते हुए? देखिए, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स का पीएलएफ है, हम उस पीएलएफ को मॉनिटर करते हैं कि ये पीएलएफ उतना ही है जितना कि हमने लोन देते समय एस्टिमेट किया था। अगर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, डिमांड बढ़ती है, तो ऑब्वियसली इनका पीएलएफ बढ़ेगा, लेकिन हमारा ये मानना रहा है कि हमने जो प्रोजेक्ट फाइनेंस किए हैं रिन्यूएबल स्पेस के अंदर जनरली इनका पीएलएफ उतना रहा है, आसपास रहा है जितना कि हमने लोन का ड्यू डिलीजेंस करते समय हमने एक एस्टिमेट किया था जी। सर, अगर पिछले एक साल के आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें तो एनपीए की सिचुएशन थोड़ी सी एरेटिक रही है, किसी क्वार्टर में बढ़ती है फिर किसी क्वार्टर में गिरती है, क्या ये कंपनी के जो नेचर ऑफ बिजनेस यानी पावर कारोबार की वजह से ऐसा है या अदरवाइज कोई और कंपनी का फैक्टर है जिसको आप बताना चाहेंगे? देखिए, पहला तो जब सेक्टर में स्ट्रेस है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहना वाजिब है। दूसरी चीज़ यह है कि हम जो आरबीआई के जो नॉर्म्स होते हैं एनपीए से रिलेटेड उससे गवर्न होते हैं, तो अगर कोई लोन उसके ओवर ड्यूज हैं उस पीरियड से बढ़ जाते हैं तो वो एनपीए में क्लासीफाई हो जाता है, और जब वो
वो ओवरड्यू अमाउंट वो हमें पे बैक कर देते हैं पूरा का पूरा, तो वो वापस स्टैंडर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा तो इसमें वेरिएबिलिटी रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो जितने भी हमारी एनपीए हैं उनके साथ हम बड़े एक्टिवली एंगेज हैं। हमने जितने भी लीगल और मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हम जो ले सकते थे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट में, और प्रमोटर के बैकग्राउंड और प्रमोटर जो हमारे साथ कॉपरेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा उसके बेसिस पे हम लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव और सारे एक्शन हम उनके खिलाफ ले रहे हैं, और इसमें कई केसेस के अंदर पॉजिटिव डायरेक्शन में डेवलपमेंट भी है। जी सर, क्योंकि आप सेक्टर में काफ़ी समय से हैं, स्टीम कंपनी के नाम से जाने जाते हैं वहाँ पर, क्या एक्चुअल सिचुएशन एनपीएस की इतनी क्रिटिकल है या कि कुछ नए स्लिपेजेस जो हैं वो ऐड होने की उम्मीद लगाई जा रही है एटलीस्ट एक क्वार्टर या दो क्वार्टर के लिए, या कुछ रिजॉल्व होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं पूरे इशूज स्पेस के? देखिए ये सारी फ्लूड सिचुएशन है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो एनपी है दे आर ये आरबीआई के नाम से गवर्न होते हैं, तो सिचुएशन में फ्लूडनेस रहती है। कुछ जो एसेट्स हैं जो हमारे जिनको हमने रीस्ट्रक्चर्ड किया दे आर मूविंग टुवर्ड्स दी कॉमर्शियल ऑपरेशंस, तो हम उनको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो क्या क्वार्टर टू क्वार्टर क्या पोजीशन होगी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, पर मैं इतना कह सकता हूं कि हर इंडिविजुअल अकाउंट को हम बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जी, इसके अलावा लास्ट अगर ईयर के नंबर्स देखें तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कंपनी काफ़ी तेज़ी से रिड्यूस हुई है हर क्वार्टर के हिसाब से, क्या जो ओवरसीज फंड्स रेज किए गए उसका इम्पैक्ट है या अदरवाइज इसकी वजह से कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आई है? देखिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग दो कारण से कम हुई है, एक तो एक जो फाइनेंशियल सेक्टर में जनरल डेक्लाइन था इंटरेस्ट रेट का, बैंक्स मार्जिनल लेंडिंग रेट पे शिफ्ट किया उसका भी हमें फ़ायदा मिला। तीसरी चीज़ कि हमने नए रिसोर्सेज को जो कि इनोवेटिव थे हमने उनको अप्रोच किया और उसके कारण से हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमारी कम हुई है। पर जैसे हमने कहा कि एक जनरल ट्रेंड है इंटरेस्ट रेट रिडक्शन का, तो हमारी जो यील्ड है ओवरऑल यील्ड है वो भी थोड़ी कम हुई, बट ऑन दी होल हमें जो 9 महीने के अंदर हमने जो हमारा जो स्प्रेड है उसको करीब 3.25% पे हमने मेंटेन किया है और करने की कोशिश की है। जी मिस्टर हल्दिया, क्योंकि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के जरिए भी कंपनी ने रकम जुटाई थी, क्या इस और कोई रकम कंपनी जुटाने की योजना बना रही एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के थ्रू ही? और दूसरी, क्योंकि रुपए डॉलर की इक्वेशन जो है वो भी स्पेशली ईसीबीज वालों के लिए काफ़ी हद तक क्रूशल रही है इस क्वार्टर के लिए या फिर पिछले 6 महीने के दौरान, ये क्या कंपनी के डिसीजन के ऊपर कोई फैसला लेगा? नहीं देखिए, जो फंड है वो हमारे लिए रॉ मटेरियल है और हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है। तो हम जैसे जैसे हमारी ग्रोथ रिक्वायरमेंट है हम कंटिन्यूसली रिसोर्स रेजिंग प्लान बनाते हैं। आप ईसीबी रेज करेंगे या डोमेस्टिक बोरोइंग रेज करेंगे ये उस समय का जो एक सिचुएशन है कि कंपेरेटिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या है उस पर डिपेंड करता है। हमने करीब सभी जो लीडिंग बायलैटरल और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है उन सभी से हमने लाइन ऑफ क्रेडिट ले रखी है, और अगर हमें लगेगा कि वो हमारे लिए ज़्यादा कॉस्ट कम्पिटिटिव है कंपेयर टू डोमेस्टिक बोरोइंग तो हम सर्टेनली ईसीबी को रेज करेंगे। ओके कुछ क्वांटम आपने डिसाइड किया हुआ है कितना फंड रेज होता है? क्योंकि ये रेगुलर प्रैक्टिस है तो बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कोई आउटलुक जो FY18 के लिए आपने रखा हुआ हो कितना फंड रेज कर सकती है कंपनी? नहीं, हमने अभी एडिशनल कैपिटल रेज की है। ओके हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 26% है। अब जैसी हमारी ग्रोथ होगी तो बाकी का जो पैसा है वो तो बोरोइंग्स के माध्यम से ही आना है। ओके
ओके चले सर आपसे बातचीत जारी रखेंगे, इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है, लेकिन इस बीच एक अपडेट दे देते हैं कि निफ्टी 9300 के बेहद नजदीक आ चुका है, 9299.65 ये निफ्टी ने अभी हाई टच किया है और करीब 9299 के बाद अब निफ्टी ऑलमोस्ट 9300 के करीब पहुंचता दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट 9300 का जो स्तर है निफ्टी ने वो अभी अभी टेस्ट भी किया है, रादर पार भी कर चुकी है निफ्टी, 81 अंक ऊपर निफ्टी कामकाज कर रहा है, एक जोरदार तेजी देखी जा रही है और अक्रॉस द बोर्ड बाइंग सभी सेक्टर्स में देखने को मिल रही है। पहली बार जिंदगी में निफ्टी ने 9300 का लेवल पार किया है, हालांकि सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा दूर जरूर है, लेकिन निफ्टी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई को हिट करके 9300 के ऊपर पहली बार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है, 9299 का लेवल फिलहाल देखने को मिल रहा है। डॉक्टर हल्दिया, जैसे कि हमारी बातचीत हो रही है, NIMs को लेकर जो सिचुएशन है वो काफी इंटेंस है, स्पेशली जब इस पूरे स्पेस में कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है, अब बैंक्स भी इस कारोबार के अंदर है, बाकी एजेंसीज भी हैं जो कि NBFC बिजनेस में है और साथ ही इस कारोबार के अंदर है, तो NIMs को इंटैक्ट रखना कितना क्रूशियल है कंपनी के लिए और कैसे कंपनी अपने मार्जिन को इंटैक्ट रख रही है? देखिए, नीम जितना स्प्रेड जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है, लेकिन जो नीम तो ऐसा है कि अगर हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ज़्यादा होगा तो नीम ज़्यादा होगा, तो मैं नीम को ज़्यादा अहमियत नहीं देता क्योंकि नीम सही पोजीशन को इंडिकेट नहीं करता है। हमारा नीम सितंबर एंड में 5.43 था जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा है जी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है स्प्रेड, और स्प्रेड का जो हमारा स्प्रेड है वो 3.25 है, वो अपने आप में अच्छा है, कम्पिटिटिवली भी बहुत अच्छा है, लेकिन स्प्रेड के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना होगा कि हमारे अब जितने भी प्रोजेक्ट हम रिन्यूएबल फाइनेंस कर रहे हैं उसके जो कॉमर्शियल ऑपरेशन है इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है वो सिर्फ 6 महीने से साल भर का होता है, तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट ऑपरेशनलाइज हो जाते हैं तो कैपिटल एडिक्वेसी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और इनकी रिस्क कम हो जाती है, तो हमारी पॉलिसी के हिसाब से हमें इन्हें इंटरेस्ट रिडक्शन करना पड़ता है, तो उसके कारण से कंपेरेटिवली स्प्रेड कम हो जाएगा, लेकिन हमारे जो ओवरऑल प्रॉफिट है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, अर्निंग पर शेयर है, वो बढ़ जाएगा, तो स्प्रेड का जो फिगर है उसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, स्प्रेड के फिगर को जो बैलेंस शीट के अंदर दूसरे फिगर्स हैं या दूसरे रेशोज हैं उनके साथ में स्टडी करना चाहिए, और मेरे हिसाब से वो हमारी सिचुएशन अच्छी है, और अगर हमें पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए, पर्टिकुलरली द क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए अगर हमें स्प्रेड को अगर हमें कम भी करना पड़ा तो हमें इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि इस आप स्प्रेड को बढ़ा सकते हैं अगर अपनी आप क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट पोर्टफोलियो को कम्प्रोमाइज़ करें जी। हमारे साथ सामने प्रपोजल आते हैं जो स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं वो दे आर विलिंग टू ऑफर एट 18-17% इंटरेस्ट रेट, लेकिन हम उसका रिस्क परसेप्शन को देख करके और जो एक जनरल सेक्टर का जो एक एनवायरमेंट उसको देखते हुए हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस नहीं करते हैं जी। तो जो स्प्रेड का परसेंटेज है या जो मार्जिन का परसेंटेज है इन दोनों को टोटलिटी में देखना चाहिए। सर, गवर्नमेंट ने भी पॉलिसीज फ्रंट पे काफ़ी काम किया है पावर स्पेस में, उदय एक बड़ा एग्जांपल है इसका, स्पेस में इतने डेवलपमेंट के बाद क्या जो NPA की सिचुएशन पहले वर्सन थी वो थोड़ी बेटर ऑफ साइड पर आई है? देखिए, जब से उदय आया है तब से डिस्कॉम की माली हालत में सुधार अवश्य हुआ है, उनकी बैलेंस शीट पहले से अच्छी हैं, और एज ए लैंडर जो हमें जो हमारे लिए फर्स्ट और बड़ा इम्पोर्टेंट सिग्नल है वो ये है कि जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमने फाइनेंस किया है उनको जो ड्यूज हैं क्या वो टाइमली मिल रहे हैं, क्या जो पहले टाइम लगता था उसमें कमी हुई है, मैं कह सकता हूं कि इन दोनों एरियाज में बहुत इम्प्रूवमेंट है जी। सर, आपसे आखिरी सवाल होगा, IEX में आपने पिछले क्वार्टर में हिस्सेदारी बेची थी, वो रिफ्लेक्ट भी हुई थी बुक्स के अंदर, क्या कुछ और ऐसे नॉन कोर एसेट्स हैं जो कि आप प्लान कर रहे हैं बेचने के लिए? नहीं, हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, लेकिन वो जब एक अप्रोप्रिएट स्टेज पे जब हमें ये लगेगा कि ये इन्वेस्टमेंट आर राइप एनफ टू बी सोल्ड और डाइवर्स्टेड उस समय हम कॉल लेंगे। सर, कितना टिकट साइज होगा उनका? कॉन्स्टेंटली उन पे ट्रैक रखे हुए हैं और जब एक अप्रोप्रिएट समय
करीब हमने 200-250 करोड़ के होंगे, लेकिन अभी वो स्टेज आई नहीं है कि हम इस बारे में कोई कॉल लें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हल्दिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए और कंपनी की विस्तार योजना इन एंड आउट हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। सर अब अविनाश से बातचीत कर लेते हैं, अविनाश हमारे साथ मौजूद भी हैं। अविनाश, पीटीसी फाइनेंशियल के मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे, अलग अलग पैरामीटर में उनसे बातचीत हुई, उनका ये कहना भी है कि ग्रोथ अच्छी है और जिस तरह के मार्जिन्स को मेंटेन रख रहे हैं, कासा 26% के आसपास है और खास तौर से अपकमिंग जो ईयर है वो काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपका आउटलुक क्या कहता है इस शेयर पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का ग्रोथ यू नो पावर सेक्टर पे है और जहाँ पे पीटीसी फाइनेंशियल ज़्यादातर ऑपरेट करती है, यहाँ पे हमने देखा है कि नॉट ओनली एसेट क्वालिटी बट जो कैश फ्लो है कंपनी का काफ़ी स्टेडी और स्ट्रांग है। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि इस स्टॉक को अगर लंबी नज़र से देखें तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। यहाँ पे हमको लग रहा है कि FY18 कंपेयर टू FY17 शुड बी मच बेटर बोथ ऑन द टॉप लाइन एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट। तो मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे भी कोई निवेश करना चाहे तो जरूर करें, लेकिन एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक। क्या टारगेट रखते हैं आप इसमें? एक्चुअली हम इसको कवर नहीं करते, बट हमारे हिसाब से जो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो हमको लग रहा है कि बिलो 2x है, तो इसको कम से कम 2 का प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर मिल गया तो यहाँ से भी एक 15-20% की अपसाइड पर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश अपना समय हमें देने के लिए और शेयर में बातचीत करने के लिए। तो निवेश की राय दी है अविनाश ने पीटीसी फाइनेंशियल को लेकर, लेकिन इस बीच दो अपडेट है। पहले तो बाजार जो कि दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही कामकाज कर रहा है।